आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माई, हादसे में मौजूद है। और जहां पर जो हिसार चुंगी पर जो शहीद निशांत मलिक द्वार का जो निर्माण हो रहा था, आज वो जो द्वार है वो हांसी और सातवास के लोगों को आज समर्पित हो चुका है। टीम नरेश के द्वारा बनाया गया ये जो एक जो द्वार है वो वाकई ही अद्भुत है। अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जो द्वार पर है शहीदों के और महापुरुषों के चित्र यहाँ अंकित हैं, उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो कहें कि याद जो है वो दिलवाता है। शहीद निशांत मलिक की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है और महाराजा रणजीत सिंह की भी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। सातवास के पूरे के पूरे सातवास के गाँव के जो नाम है इसके ऊपर अंकित है। और आज के दिन जो है जो नरेश यादव हैं उनकी माता और शहीद निशांत मलिक की जो माता है उनके द्वारा इस गांव का आज उद्घाटन हुआ है। बड़ा एक लंबा जो एक लोगों का यहां प्रेम जो आप देखेंगे उमड़ घुमड़ के जो आया है और शहीद का जहां नाम आता है वहां लोग बड़े चाव के साथ, और आप पीछे देख भी सकते हैं कि शहीद निशांत मलिक अमर रहे के नारों के साथ में जो है पूरे का पूरा जो ये चौक जो है वो गुंजायमान हो चुका है। नरेश यादव से बात करेंगे और शहीद निशांत मलिक का परिवार भी आया हुआ, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज इस द्वार के जो उद्घाटन के बाद में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। शहीद निशांत मलिक की माताजी और बहन जो है वो यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं और जो नरेश यादव है उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। पहले बात करते हैं आज जो शहीद निशांत मलिक के इस द्वार का जो आज यहाँ कहें कि सभी ने बड़े नम आँखों से जो इस द्वार का जो आज अनावरण जो हुआ है आपको कैसा आज लग रहा है? शहीद निशांत मलिक के बारे में हम जो लोग हैं शहीद होने के बाद में ज़्यादा जानने लगे, आप बताएं उनका जो एक कहें कि बचपन कैसा था और वो कैसा उनका जो एक व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा था, बचपन भी बहुत अच्छा था। सर उसने जब वो 18 वर्ष का था तब फ़ोन ज्वाइन की थी, इससे पहले उसने जो 12th अपनी मेडिकल से की थी जिसका उसका नीट एग्ज़ाम क्लियर था। मेरे फादर ने उसे बोला भी कि आप डॉक्टर लाइन में जाओ क्योंकि उसने नीट भी क्लियर कर लिया था, वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसके बाद उसने ये कहा कि नहीं पापा मुझे फ़ौज में जाना। उसने फौज में गए जाने के लिए जैसे ही, क्योंकि पापा ने कहा बाद में देख लेंगे पहले एक बार ये देखते हैं, उसने कहा नहीं पापा। तो उसने पहली भर्ती देखी, पहली भर्ती उसने क्लियर कर दी। उसके बाद उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट भी उसका क्लियर हो गया, उसका नाम आ गया। तो 26 फरवरी 2020 में उसने आर्मी ज्वाइन की। उस टाइम पे मार्च में कोरोना काल आ गया था तो उस टाइम पे एक साल के लिए तो पाबंदी लग गई थी कि हम मिल नहीं पा रहे थे उससे। बिल्कुल 9 महीने की उसकी ट्रेनिंग हुई कंप्लीट, उसके बाद वो 1 महीने छुट्टी आया। लेकिन उसके बाद भी कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा भाई हमसे दूर है, क्योंकि हम वीडियो कॉल के ज़रिए उसे लगातार बात करते रहते थे, मिलना जुलना हंसी मजाक सब होता रहता था। लेकिन जब 11 अगस्त 2022 को जब हमने ये खबर मिली कि हमारा भाई देश की रक्षा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट दीवार फांद के अंदर आ गए थे, और उस टाइम पे शहीद निशांत मलिक ने, ये लगा लीजिए उनके जो साथी हैं सहयोगी हैं सब ने अपनी जान की बाजी लगा दी और आतंकवादियों को अंदर घुसने से बिल्कुल मतलब कि पाबंदी लगा दी, उन्हें घेर लिया, और जिसमें ये 5 लोग शहीद भी हुए जिसमें से मेरा भाई भी है। लेकिन कहते हैं ना कि उसने बाकी के जो अंदर उनके साथी सो रहे थे उनकी जान तो बचाई। तो मुझे मेरे भाई पर गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है, और मैं अगले जन्म में भी इस भाई की कामना करती हूँ कि मुझे दोबारा उसे ही राखी बांधने का अवसर प्राप्त। आज ये जो इस द्वार का और जो आज यहाँ निशांत मलिक की प्रतिमा भी लगी हुई है उसका भी आज अनावरण हुआ है, जो सैकड़ों लोगों ने एक बड़ी नम आँखों से जो है निशांत मलिक को याद किया है। अब तो कहीं कमी जो निशांत मलिक की देखो वो कमी हम नहीं भर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहें कि आज नहीं सैकड़ों निशांत मलिक जो है वो आपके साथ तैयार खड़े हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सैकड़ों निशांत मलिक आज हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन उस निशांत मलिक की कमी शायद कोई पूरी ना कर पाए। वो कहते हैं कि हमारे हरियाणा में कहावत होती है ना कि भात छुच्छक सब देने हैं, बहन की विदाई भी करनी थी लेकिन सब अधूरी छोड़ गया। तो अब उनको पूरा करना, शायद ही वो अगर अपनी जगह पे होता वो पूरा करता तो उस चीज़ की शायद कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ये तो आप भी समझते हैं कि एक परिवार जिसका 3 बहनों का सिर्फ एक लौता भाई, सबसे छोटा सदस्य घर का, माँ बाप का एक लौता बेटा, जिसने कहते हैं ना कि पिता जब अग्नि दे पुत्र को
तो उससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं होती, क्योंकि जब पुत्र अग्नि दे पिता की आचिता को तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता। लेकिन जब उस पिता ने, क्योंकि वो भी 11 राजरीफ से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी आर्मी 1999 में कारगिल से युद्ध लड़ा था उन्होंने भी, उन्हें पता है कि उनके बेटे ने क्या किया देश के लिए, कितना सर्वोपरि सम्मान किया है। तो मैं ये भी कहूँगी हमारी देश की जनता को, एक शहीद नहीं हमारी पूरी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर कोई इस पात्र है कि भाई उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर तरह से लड़ाई करना बंद कर दे तो हमारा देश रक्षित नहीं है। जी, आज नरेश यादव के द्वारा जो एक जो यादगारी जो द्वार है उसका जो उद्घाटन हो चुका है, लोग यहाँ आके शीश झुकाते हैं कि शहीदों की जो एक याद है वो हमें इस द्वार पर आके यहाँ होती है, तो वो आपको कैसा लगता है? मुझे इसके लिए, मैं नरेश सर भैया का बहुत मतलब कि सम्मान करती हूँ कि उन्होंने पहल की इस चीज़ में, पहल की कि राजनीति वाजनीति इन सब से दूर रह के उन्होंने ये पहल की, क्योंकि उन्होंने भाई की बरसी पर आकर ये रखा था प्रस्ताव कि मैं शहीद निशान पर एक द्वार बनाना चाहता हूँ। उस समय सभी ने सहमति जताई थी और आज आप देख ही रहे हैं उसका परिणाम। उन्होंने संकल्प लिया था, विकल्प आप देख चुके हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से, और मैं इसकी सराहना करती हूँ कि उनका तहे दिल से मैं यही कहूँगी कि नरेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भाई के लिए पहल की, और ऐसे ही देश में हर शहीद का सम्मान होना चाहिए। रक्षाबंधन आने वाला है और नरेश यादव ने ये कहा कि चाहे दुनिया का मैं किसी भी कोने में हूँ, रक्षाबंधन के दिन जो है वो हम आपके पास पहुँच जाएंगे और आपको निशांत मलिक की जो है वो हम कमी नहीं रहने देंगे, आपके सामने कलाइयाँ जो है वो बिल्कुल तैयार है आपको राखी बांधने के लिए, हम निशांत मलिक की जो है वो याद नहीं आने देंगे। देखिए सर, शहीद निशांत मलिक 2022 में शहीद हुआ था, रक्षाबंधन 2023 में भी आया था, तब भी जो नरेश भैया हैं वो हमारे घर पर आए थे, उन्होंने राखी बंधवाई थी, लेकिन वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो मेरे भाई बनकर रहे, लेकिन निशांत मलिक की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं उनका फिर भी सहयोग करती हूँ कि वो आज भी, उन्होंने यही रखी है प्रस्ताव कि कभी भी ये कलाइयाँ सुनी नहीं रहने देंगे, वो हमेशा राखी बंधवाने आएंगे, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ और मैं उनकी माता जी को भी प्रणाम करती हूँ, वो हमारे साथ यहीं पर हैं, कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, क्योंकि शहीद को जन्म देने वाली जननी और ऐसे सुपुत्र को देने वाली जननी दोनों ही एक समान। पूरी सिटी फर्स्ट न्यूज़ की जो टीम है वो शहीद जो निशांत मलिक है पूरे परिवार को जो है वो हाथ जोड़ के जो है आपको नमस्कार करती है, और ये नरेश यादव की माता जी जुड़ी हैं, वो कहते हैं माता जी की जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवा विनूर। एक तरफ जो है शहीद के परिवार जो है उनकी माता जी यहाँ खड़ी हुई है, एक आप हैं कि जिन्होंने एक ऐसा एक जो पुत्र जन्म दे दिया है कि जो सभी इन शहीदों के प्रति इतना एक जो मान भाव है वो सम्मान वो रखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सम्मान तो भाई कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन वह मतलब कार्य की अग्नि है ना, तो उसे चीज़ तो बुझ सके ऐसे नहीं बुझ सके, भाई बन गया सब कुछ हो गया, लेकिन वह चीज़ तो भाई थी। जी, आज जो है शहीद का परिवार भी यहाँ मौजूद है और आपने जो है वो गेट का अनावरण, हमारा इतना दिल खुला है कि ये कुछ भी मांगो हमारे, हम हैं इसके, माँ भी बाप भी भाई भी हम हैं इनके सब, मेरा बेटा इनके लिए सब कुछ तैयार रखे हैं, लेकिन वह चीज़ तो भाई थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस प्रकार अब आप जुड़े हैं पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो इस परिवार का साथ आप ना छोड़े, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। निशांत मलिक द्वार जो है वो यहाँ आज हांसी हलके की जनता को क्या कहें कि पूरे के पूरे देश को जो है समर्पित हो चुका है, और ये वो टीम है जिस टीम के प्रयासों से ये जो पूरे का पूरा जो गेट है पूरे का पूरा जो ये कि यहाँ का जो एक माहौल जो क्रिएट हुआ जो शहीदों की याद दिलवाता है वो इस टीम की कारगुजारी है कि उनके बदौलत ही ये पूरे का पूरा जो गेट है वो आज बनकर तैयार हुआ है और इसका जो है आज उद्घाटन हुआ है। नरेश भाई, ये जो माहौल जो आपने जो क्रिएट किया है बड़ा एक जो जबरदस्त और एक बड़ा ही एक अलग जो माहौल है इसमें, इस चौक पे आके जो है सर जो अपने आप जो है वो श्रद्धा से झुक रहा है, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, आपके सभी चैनल के दर्शकों को बधाई शुभकामनाएं, और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था आज कि हमारे भाई निशांत मलिक की पुण्यतिथि थी आज, और उसके ऊपर जो टीम रेस का संकल्प था कि 11 अगस्त तक हमने ये द्वार किसी भी तरह पूरा करके उसके परिवार को समर्पित करना है, और मुझे खुशी है कि वो काम आज टीम नरेश कर पाई और टीम नरेश के अथक प्रयासों से ये काम हो पाया है। मैं पूरी की पूरी टीम की और आसी की जितनी भी जनता है जिसने
इसमें जिसने भी इसमें जो सहयोग किया है, यानी हमारे साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने का भी काम किया है, तो वो उस सहयोग के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबको मैं यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे अच्छे कार्यों की आपको हमेशा साथ देना चाहिए और उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँगी कितना लंबा टाइम जो है इस द्वार के निर्माण कार्यों में लगा, करीबन एक साल लगा है इसमें, और एक साल भी इसलिए लगा है कि मैं आज आपके चैनल पे वो बात बताऊँ, आपको पता है कि इस द्वार को कितनी मुश्किलों से गुजर के हमने बनाया है, और उसी के बाद भी इतना बेहतरीन और सुंदर, लोग कहते हैं ऐसे ऐसे द्वार तो 4-5 साल में नहीं बनते, और वो कहते थे कि चुनावी मुद्दे से वो कहते थे कि उंगली कटाने से आप शहीद नहीं हो सकते, उस शहीद ने अपनी शहादत दे के वो शहीद हुए, और शहीद की शहादत को आप सलाम नहीं कर सकते, तो उस पर आपको उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और हम तो कम से कम एक सेवा भाव से जुड़ी हुई टीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना बड़ा आसान है, आपके पास आज हाँसी की जिम्मेवारी है और पूरी जनता ने आपको चुन रखा है, अगर चैलेंज साबित करना है तो हाँसी में टीम नरेश की विकास कार्यों का चैलेंज साबित मतलब आप स्वीकार करो, ताकि आपको पसीने आए और आपकी बुद्धि और शुद्धि का पता चल जाए आप कितनी शुद्धि और बुद्धि से काम करना जानते हैं। बुद्धि का जिक्र हुआ, बुद्धि ये किसकी थी कि एक तरफ जो है वो शहीद निशांत मलिक की माता जी खड़े होंगे और एक तरफ जो है वो आपकी माता जी, यानी कोई एक बड़ा कोई नेता नहीं आया, कोई बड़ा कुछ नहीं, इन्हीं दो जो एक कहें कि जो जननी है, महान जो जननी है उनके द्वारा इसका। इससे बड़ा ना कोई नेता है और ना कोई और है, इनसे बड़ा नेता कोई नहीं था, और टीम नरेश की हमेशा एक सोच रही है कि जो बड़ा है उसको बढ़ाने की बड़ा दिखाने की कोशिश करो, नेता कोई बड़ा नहीं होता, नेता को जनने वाली भी ये जननी है जिन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है, और इसी जननी ने वो जन्म दिया था जो हमारी देश की सेवा करते हुए आज इन्होंने शहादत दी, और इसी जननी के जने हुए वो नेता हैं जो इन पर उंगली उठाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और इन जननियों का उनको भी नमस्कार और स्वागत करना चाहिए। जी वैसे ये सोच कहाँ से आई कि हम जो शहीद हो चुके हैं निशांत मलिक, उनके लिए कितना जो भव्य जो गेट उनकी प्रतिमा भी यहाँ लगी, उसके साथ साथ जो महापुरुष और अन्य जो शहीद है उनकी भी यहाँ प्रतिमा यहाँ आपने। मैं ये कहता हूँ हर शहीद का, हर महापुरुष का, जिसका देश के किसी भी विकास में और या किसी भी उसको चलाने में कोई योगदान रहा है, कोई किसी भी समाज में, जैसे छोटू राम जी का किसान नेता रहे हैं, जैसे हमारे अपना देखोगे आप उधम सिंह जी हैं, इन्होंने शहादत दी है, अपने ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने शिक्षा जगत के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्होंने देश के अंदर जो राजाशाही वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने में इन्होंने अपना नाम कमाया है, शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने हमारे देश के लिए शहादत दी, फांसी पे आस्ते आस्ते लटक गए, और आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और आप देखेंगे हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज उन्हीं के संविधान की वजह से आज भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ही है कि आज हम सरकार की जो ताकतें थी, नेगेटिव सोच की जो ताकतें थी, स्थानीय विधायक था जिन्होंने पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद भी उस संविधान ने हमें वो ताकत दे रखी थी कि आज निशांत मलिक द्वार बनाने में टीम नरेश कामयाब हुई। मदन लाल ढींगड़ा जी हैं जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे के देश सेवा में अपना नाम लिखवाया, और आप देखेंगे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी काम किए और उनके लिए शहादत दी, और आप देखेंगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने बैकवर्ड समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, राव तुलाराम जी जिन्होंने शहीद होके और देश के अंदर 1857 की क्रांति जो आज़ादी की पहली आज़ादी की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी ने की, और राव तुलाराम जी की शुरुआत के बाद ही ये उसी दिन ये तय हो गया था कि हमें टाइम तो लगेगा लेकिन भारत आज़ाद जरूर होगा। उसी तरह महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्होंने बहुत 36 बिरादरी कौम के लिए अपने जो इनका राजस्व होता था उसके अंदर गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए इतने बेहतरीन काम किए, और आप देखेंगे मेरे सामने सर छोटू राम जी जो किसान नेता हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं, और मांगेराम मलिक जी जो आज किसान यूनियन बनी है उनमें सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है, और आप सामने देखेंगे अपने जो दानी सेठ छाजू राम जी जिन्होंने दान की परिभाषा ही चेंज कर दी थी और एक बहुत बड़े दानी सज्जन कहलाए, ये सब का सम्मान और उसके ऊपर शहीद निशांत मलिक द्वार, और ऊपर से आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो हमारे सात बास के 11 गांव हैं उन गांव का नाम मैं कहता हूं आपको और इस धरती माता पे इन गांव को आपके नाम से जाना जाता है, नाम आपकी वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन को लगाने का काम भी टीम नरेश ने यहाँ किया।
किया। और आप देखेंगे वहाँ पे बस स्टैंड, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अमेरिका के अंदर भी ऐसा बस स्टैंड नहीं मिलेगा जो सात बास वालों के लिए बनके तैयार हुआ है जी। लेकिन साथ के साथ आपने जो सामने जो चौक था उस चौक को भी आपने एक नया रूप दिया, वो सोच कहाँ से लेके? मैं कहता हूँ जब से ये चौक बना था आसी वासियों के आंखों में खटक रहा था। एक तो ये बनाया गलत कि यार ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू नहीं हो रही, चलो बना दिया। अशोक स्तंभ लगाने के बाद हमने उसका स्वागत भी कर दिया, लेकिन अशोक स्तंभ का इतना बुरा हालात मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा जितना बुरा हालात आज विधायक जी ने यहाँ करवाया। इतना घटिया सतर का पत्थर जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इस देश का सम्मान और गौरव है, ऐसे ऐसे विधायक देश में हैं जिन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, भ्रष्टाचार किया। 23 लाख रुपए लगा के इस चौक को तैयार किया और उस चौक को सुंदर नहीं बना पाए। टीम नरेश ने 2 घंटे का टाइम और 3,000 रुपए से इस चौक को 40 लाख की वैल्यू का बना दिया जी। अब वो भ्रष्टाचार उनका दिखेगा नहीं। विधायक जी को मेरा धन्यवाद करना चाहिए, टीम का धन्यवाद करना चाहिए। पहले भ्रष्टाचार नजर आ रहा था, आज के बाद उनको गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी, कहेंगे यार 23 का नहीं चौक तो 40 का लग रहा है जी। तो उनको काम करने का पता नहीं है, उनकी नीति और नीयत सिर्फ भ्रष्टाचार में है। तुरंत छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, विदाई तैयार है। छोड़ने का वैसे टाइम आएगा तो चुनाव आप भी छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छा, अब तो चुनाव ही आगे ना, अब तो एक आचार संहिता ही लग जाएगी। लेकिन विधायक जी धन्यवाद कर रहे हैं आपका ना करें, लेकिन हम जरूर करेंगे, क्योंकि पीछे ही जो स्कूल है छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो देश का भविष्य है वो यहाँ आता है। और आपने इतने जो यहाँ शहीदों के और महापुरुषों की आपने जो तस्वीर लगाई, बच्चों को नई शिक्षा जो बच्चों के लिए भी कैंटीन बनाई गई है, बच्चों को सैंडविच बर्गर और स्कूल में ही मिलेंगे। बच्चों के लिए शिक्षा में उनको जो हमारी देवी है, शिक्षा की देवी, वहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट बना है अपना सरस्वती माता, उनका सेल्फी पॉइंट बनाया है ताकि बच्चों के संस्कार बने और बच्चे शिक्षा की तरफ मुंह करें। जितने भी चीज़ हैं, जितनी चीज़ें यहाँ लगाई हैं, आप सबका कोई ना कोई इंडिकेशन है। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, नाचते हुए दो घोड़े किस चीज़ का इंडिकेशन है? क्यों लगा दिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो शहर में वो घोड़े ऐसे हैं, रात को बच्चे वहाँ से डरते हैं, कभी चलते हुए ऊपर कूद ना जाएं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, काम करने नहीं आते तो रीस करनी आती है, रीस अच्छी तो कर लेते, हमारे से ये भी पूछ लेते उड़ा लगाना कैसी है, किसी अच्छी इंडिकेशन को लगाते। घोड़ों से क्या प्रतीत हो रहा है, एक बार विधायक जी बयान जरूर दे के बताएं वो क्या शो करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक स्तंभ लगाया, स्वागत योग्य है, हमारे देश का प्रतीक है, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें भी किया। काम तो करने लग गए, दबाव तो आ गया, दबाव में काम गलत हो रहे हैं, वो और सुधार ले। धन्यवाद करते हैं आप जी। जिस प्रकार जो इसमें एक एक जो चीज लगी है वो एक विजन के साथ लगी है, टीम नरेश अगला विजन क्या लेके चलेगा? बगैर विजन की एक चीज, सबसे पहले मैं आपको एक दिखाऊंगा, आसी को काशी बनाने की पहली झलक इस गेट की चोटी के अंदर आपको नजर आए होगी। एक बार आप पढ़ के बताएं क्या लिखा है वहां पे। राम 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 राम। इतनी बार जब जैसे ही लोग यहाँ घूमेंगे, आप बताओ ऊपर मुंह करते ही मुंह में क्या आएगा, राम 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 राम, तो आसी काशी बनेगी। आसी को काशी बनाने की लाइन हमने यहाँ उकेर दी है, और विधायक जी को कहता हूँ, सबके आगे कहते फिर रहे हैं वो बना सकते काशी, मैं नहीं बना सकता, तो तैयारी अब की बार हमारी कर दो, आप अटलो काशी बना के दिखा देंगे और 5 साल में बना देंगे, और आप आसी को काशी बनाने में रोकते रहना फिर भी बना देंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो टीम नरेश करती रही, ऐसी हमारी आपसे और भी उम्मीदें हैं, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गेट को राजनीति का अखाड़ा बताया था, एक सेल्फी लेके अपनी पार्टी में भेज दियो, पूछ लियो कि ये काम है या राजनीति है। तेरी पार्टी वाले भी नू कह देंगे विधायक जी तने नरेश टीम पर गलत आरोप लगाए हैं, इसका अच्छा काम ना तो न करे ना तेरा मुख्यमंत्री न करे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा आपसे हम उम्मीदें रखते हैं कि इससे अच्छे अच्छे और भी आप इस प्रकार जो करिए वो कायम रहूंगा, और ये जो गेट बना है ऐसे ऐसे आने वाले 5 साल में आसी की जनता का आशीर्वाद रहा तो 31 द्वार आसी में बनेंगे, और पूरी आसी को इस लाल पत्थर की नगरी बना के रहेंगे, पूरी आसी की सड़कें भी लाल पत्थर से बनाएंगे ताकि आसी काशी नगरी नजर आए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश यादव हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो टीम नरेश का एक छोटा सा एक काम है, इस प्रकार के जो और काम है काफ़ी जो होने हैं, आपको क्या लगता है इस गेट के माध्यम से आप अपनी जो राय यहाँ के हमें जरूर बताएंगे, आपको कैसा लगा, क्या वाकई में जो है ये गेट जैसा टीम नरेश इसका जो कहें कि बखान जो कर रही है वैसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, कैमरामैन जतिन के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।